Students, hope you all are doing well. In this video, today we will discuss the question and answers of our first poem that we have discussed in our last video from page number 27, chapter number 1.4, integrity put to test. So, students we'll is ka question and answer discuss karenge. So please turn with me to page number 28. Read and find. Answer each question briefly. हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ वज़ द यंगस्टर डिफरेंट फ्रॉम हिज कॉमरेड्स यानी कि जो इस पोम में जो यंगस्टर है वो किसका किसके लिए दर्शाया गया है वो टॉम को बताया जा रहा है यंगस्टर तो वो कैसे आ, अपने कॉमरेड्स यानी कि अपने जो कंपेनियंस थे उसके फ्रेंड्स जो थे उनसे वो कैसे अलग था वो हमें बताना है तो आंसर है ही वॉज मोर ग्रेव द अदर्स यानी कि वो कैसा था काफ़ी कॉम एंड सीरियस इन मैनर होता है ना हम कहते हैं ग्रेव यानी कॉम एंड सीरियस तो जो बाकी सब जो कंपेनियंस थे उनके मुकाबले ये काफ़ी सीरियस और शांत लड़का था सेकेंड क्वेश्चन है विच लाइन टेल्स यू दैट द यंगस्टर्स नेम टॉम इस पोम से कौन सा लाइन आपको बताता है कि यंगस्टर का नाम टॉम था तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर ट्वेंटी एट में फर्स्ट लाइन ही है दे स्पोक एंड टॉम पॉन्डर्ड दे स्पोक एंड टॉम पॉन्डर्ड पॉन्डर्ड का मीनिंग क्या होता है थॉट केयरफुली ट्राइंग टू रीच ए डिसीजन काफी ध्यान से सोचना और किसी कंक्लूजन या नतीजे पे पहुंचने को हम क्या कहते हैं पॉन्डर्ट तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि जो यंगस्टर है उसका नाम क्या है टॉम है थर्ड क्वेश्चन है वॉट है टॉम्स कॉमरेड्स प्लॉटेड टू डू यानी कि टॉम के कॉमरेड्स ने क्या प्लान किया था प्लॉटेड का मीनिंग होता है टू मेक ए सीक्रेट प्लान टू डू समथिंग रॉन्ग या इलीगल तो इस फॉम में क्या रॉन्ग हो रहा है इलीगल वो लोग चोरी करने वाले थे दैट वॉज इलीगल तो आंसर है दे हैव प्लॉटेड टू rob द नेबर्स orchard. यानी कि वो लोग ने प्लान किया था अपने जो नेबर्स का जो बगीचा है उसको रॉब करने का प्लान बनाया था तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर वाट टॉम्स एडवाइस टू हिज कॉमरेड्स यानी टॉम जो है अपने फ्रेंड को अपने कॉमरेड्स को क्या एडवाइस देता है आंसर है ही सेड इट वॉज नॉट गुड टू रॉब द पुअर नेबर्स और चेड तो वो ऐसा कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है कि हम बेचारे जो हमारा पुअर नेबर है उसके बगीचे को हम जा करके रॉप करें इट इज़ नॉट ए गुड थिंग फर्दर वो क्या कहता है ही अडवाइस देम टू थिंक ऑफ द पुअर मैं चिल्ड्रेन और वो उनको एडवाइस देता है वो सलाह देता है कि हमें किनके बारे में सोचना चाहिए पुअर मैंस चिल्ड्रन यानी कि उस बेचारे के बच्चे के बारे में सोचना चाहिए फर्दर यहाँ पे है हिस ऑर्च इज हिस ब्रेड हि सेड वो कहता है कि उसका जो बगीचा है वो क्या है उसका ब्रेड है यानी उसी के कारण में, उसका जो फैमिली है वो रन करती है वही उसका जीव का पार्जन है वही उसका एक सोर्स ऑफ इनकम है इसलिए हमें उनके बच्चों के बारे में सोचना चाहिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है द टॉम्स कॉमरेड्स केयर फॉर इस एडवाइस क्या टॉम के जो कॉमरेड्स हैं उनके जो फ्रेंड्स हैं उसके एडवाइस के ऊपर ध्यान देते हैं आंसर है नो no, बिल्कुल भी नहीं दे डेंट केयर फॉर इस एडवाइस वो लोगों ने टॉम के एडवाइस के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया फर्दर है दे वेयर डिटर्मिन टू रॉब द ऑर्च क्यों ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी डिटर्मिंड थे कि हमें जाकर के रॉब करना है चोरी करना है इसलिए वो लोगों ने टॉम के बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया सिक्स क्वेश्चन है वट डिड द बॉयज से दे वुड डू इफ टॉम डेंट जॉइन देम व्हाट डिड द बॉयज से दे वुड डू इफ टॉम डेंट जॉइन देम तो टॉम के जो कंपेनियंस uh, थे उनके फ्रेंड्स थे वो क्या कहते हैं टॉम को कि अगर तुम ज्वाइन नहीं करोगे तो हम लोग क्या करेंगे आंसर देखते हैं दे सेट दे वुड नॉट गिव टॉम एनी और ऑपियर इफ ही डेंट गो विदम यानी कि उनके उसके जो फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आते हो इफ यू डोंट कॉमन असिस्टर्स वी विल नॉट गिव यू हम तुम्हें क्या नहीं देंगे एप्पल और पियर जो तुम्हारा शेयर बनता है वो शेयर तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा अगर तुम हमारे साथ नहीं आते हो तो स्टूडेंट्स तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन है हाउ डिड टॉम कन्विंस हिमसेल्फ टू ज्वाइन द अदर्स टॉम जो है वो खुद को कैसे कन्विंस करता है अपने फ्रेंड्स को जॉइन करने के लिए आंसर है टॉम थॉट दैट ही स्टेइंग बिहाइंड वुड डू द मैन नो गुड टॉम ऐसा सोचता है कि अगर मैं पीछे हट जाता हूँ अगर मैं नहीं जाता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ तो इससे कुछ हमारे पड़ोसी का कुछ भला होने वाला नहीं है दैट्स वट इट मीन स्टेइंग बिहाइंड वु डू द मैन नो गुड उससे कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है ही सेड ही विल लूज नन बाई मी दो आई गेट ए फ्यू वो कहता है कि अगर मैं जाऊँगा भी तो जो मेरा नेबर है ही विल लूज नन बाई मी मेरे जाने से वो कुछ भी नहीं लूज़ करेगा और मुझे क्या मिल जाएगा मुझे मेरा शेयर भी मिल जाएगा दो आई गेट ए फ्यू दस टॉम कन्विंस्ड हिम सेल्फ टू ज्वाइन द अदर्स तो इस यही कारण है कि टॉम जो है खुद को कन्विंस कर लेता है कि आ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा रॉब करने के लिए एक क्वेश्चन है हाउ डिड टॉम फील अबाउट हिज पुअर नेबर टॉम जो है अपने पुअर नेबर के बारे में कैसा फील करता है आंसर है टॉम फेल्ट पिटी फॉर द पुअर नेबर यानी टॉम को काफ़ी दया आता है काफ़ी पिटी फील होता है अपने नेबर के लिए ही डिड नॉट वांट हिज ऑर्चर टू बी रॉब और वो ये भी नहीं चाहता है कि उसका जो एप्पल का जो बगीचा है वो रॉब हो वो ये भी नहीं चाहता है क्योंकि वो अच्छा आ, लड़का था वो काफ़ी सीरियस लड़का था और वो आ, जो एक नैतिकता होती है एक मॉरलिटी होती है वो उसके बारे में वो सोच रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन Why did Tom think that his staying behind would do no good to the poor neighbor? Tom ऐसा क्यों सोचता है कि अगर मैं uh, stay behind हो जाता हूँ अगर मैं नहीं जाता हूँ तो इससे मेरे पड़ोसी का कुछ अच्छा होने वाला नहीं है Answer है the other boys were determined to go and rob the orchard। यानी कि जो दूसरे जो boys थे इसके जो friends थे वो काफ़ी determined थे जा कर के चोरी करने के लिए rob करने के लिए दस टॉट दैट ही स्टींग बिहाइंड वु डू नो गुड टू द पुअर नेबर इसलिए वो ऐसा सोच रहा है कि मेरे फ्रेंड्स तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिए हैं देर डिटर्मिन तो अगर मैं नहीं जाता हूँ तो मेरे नहीं जाने से ये पुअर नेबर का कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो ऑलरेडी डिटर्मिन हो गए हैं टेंथ क्वेश्चन है टॉम सेस ही विल लूज नन बाई मी टॉम कहता है ही विल लूज नन बाई मी ही यहाँ पर नेबर को रेफर कर रहा है वाट डज ही मीन बाई इट तो वो इस सेंटेंस uh, से क्या मीन कर रहा है आंसर है ही मीन्स टू से दैट ही हिमसेल्फ व्लग एनी एप्पल इन द नेबर्स ऑर्चिड तो इस सेंटेंस uh, से टॉम ये बताना चाह रहा है कि ही हिमसेल्फ वह खुद से कोई भी एप्पल को प्लग नहीं करेगा यानी कि तोड़ेगा नहीं ठीक है कहाँ से उसका जो नेबर है उसके ऑर्चिड से टॉम जो है वो ऐसा सोचता है कि मैं खुद से कोई एप्पल को प्लग नहीं करूंगा क्वेश्चन नंबर इलेवन इलेवन है हाउ डिड टॉम फील मोर एट ईस टॉम को कैसे ईस मोर एट ईस यानी हम कहते हैं ना कंफर्टेबल फील करना रिलैक्स फील करना वो कैसे फील करता है आंसर है ही हैड पुट असाइड हिज मोरल प्रिंसिपल्स फॉर द मोमेंट यानी टॉम जो है अपना जो मोरल प्रिंसिपल्स है ठीक है ना वो थोड़ी देर के लिए क्या कर देता है साइड में रख देता है उसके बारे में सोचता नहीं है येट पुट असाइड हिज मोरल प्रिंसिपल्स फॉर द मोमेंट दस ही फेल्ट मोर और यही कारण है कि वो अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा है क्योंकि वो मॉरलिटी को भूल जाता है जो आ, उसका जो गुड थाट्स है उसका उसके ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है यही कारण है कि वो खुद को कंफर्टेबल फील कर रहा है एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है हाउ वज टॉम्स इंटरग्रिटी पुट टू टेस्ट टॉम का जो इंटरग्रिटी है यानी कि उसकी ऑनेस्टी कैसे इसका टेस्ट होता है डू यू थिंक ही पास्ड और फेल्ड द टेस्ट क्या आपको क्या लगता है कि टॉम ने इस टेस्ट में पास किया या फेल किया आंसर है टॉम टेल्स द अदर बॉयज दैट इट इज़ बैड टू रॉप द पुअर नेबर्स ऑर्चर टॉम ऐसा कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है इट इज़ बैड टू रॉब ये काफ़ी बैड थिंग है कि हम जा कर के रॉब करें एक नेबर का जो हमारा पड़ोसी है उसका जो ऑर्चर्ड है उसे नहीं रॉब करना चाहिए इट इज़ अ बैड थिंग बट देन ही सीज दैट द बॉयज विल गो इवन विदाउट हिम लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि अगर मैं नहीं भी जाऊँ तो मेरे फ्रेंड्स जो है मेरे एबसेंटी में जा कर के रॉब करेंगे दिस सेट्स हिम थिंकिंग और यही कारण है कि वो इसके ऊपर काफ़ी पॉन्डर करने लगता है सोचने लगता है he begins to think whether he should join them or not और यही moment है कि वो सोचने लगता है कि क्या हमें अपने friends को join करना चाहिए या नहीं करना चाहिए at last he decides to join the boys और last में वो decide करता है कि मैं अपने friends को join करूँगा

ट ज्वाइन द रॉबर्स इन द रॉबरी बट शेयर्स द पलंडर यानी टॉम जो है इस रॉबरी में जॉइन करता है ओके डस इन जॉइन द रॉबर्स इन द रॉबरी यानी वो लोग जो चोरी करने जाते हैं उसमें उनके साथ जाता है लेकिन वो चोरी नहीं करता है बट शेयर्स द पलंडर लेकिन जो अपना शेयर है वो उसको मिल जाता है और उसको ये लोग बाँट लेते हैं सो वी कैन से टॉम फेल्स वेन हीज इंटरग्रेटी पुट टू टेस्ट तो ओवरऑल कंक्लूजन हम यही निकाल सकते हैं कि ये जो टेस्ट हुआ इंटरग्रिटी का इसमें टॉम जो है वो सक्सीड नहीं हो पाता है टॉम जो है वो फेल हो जाता है जब इसका जो प्रिंसिपल्स या जो इंटरग्रिटी जो है जब टेस्ट करने की बारी आती है ठीक है इंटरग्रिटी ऑलरेडी वी हैव सीन द मीनिंग इंटरग्रिटी का मीनिंग ऑलरेडी पेज नंबर ट्वेंटी में दिया गया है ऑनेस्टी या मॉरल गुडनेस जब इसका टेस्ट करने का बारी आता है तो टॉम जो है वो इस टेस्ट में वो खरा नहीं उतर पाता है वो फेल हो जाता है सो स्टूडेंट्स आई होप ऑल दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स आर क्वाइट क्लियर फॉर यू सो टुडे वी विल स्टॉप टिल हियर एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द फर्दर पाथ वावर सो देट्स ऑल फॉर टुडे हैव ए नाइस डे थैंक यू